हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम करवा चौथ के पूजा के बाद हम शादी में जाएंगे, बस हम शादी के लिए निकल चुके हैं। तो आज मैं वहां का व्लॉग शूट करूंगी, तो आप इंजॉय करेंगे ये वाला व्लॉग भी, तो बने रहना एंड तक मेरे इस व्लॉग में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। फाइनली हम लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर शादी है। और दी आ जाओ बाहर बराबर ही पहुंच गए हम, हैं? बराबर ही तो पहुंच गए। फ्रेंड्स, हम शादी में पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम सब ने। मुझे मेरी कज़न्स भी मिली, और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड में चला हुआ था सॉन्ग, जिसका मुझे डर था कि कॉपीराइट आ सकता है। फिर हमने खाए गुलाब जामुन, काफ़ी इंजॉय किया और शादी में जाके। और इस टाइम डीजे पे सॉन्ग चला हुआ था, पहाड़ी सॉन्ग, काल जुआ पेड़ ढोला काल जुआ पेड़, तो उस पर हम डांस करते। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं सॉन्ग सिंग भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो साथ साथ में हम खा पी भी रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि सुबह से भूखे थे ना, तो इसलिए ज़्यादा हमने कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पे मुझे दिए बोल रहे थे कि अपनी जो चीनी है ना वो अपने पर्स में डाल ले, क्योंकि मेरा पर्स बिल्कुल फुल है। तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब धमाल मचाई हुई थी शादी में जाके, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम सभी। चलो अब मैं आपको स्टेज भी दिखा देती हूँ। तो ये सामने स्टेज और दूल्हा आके बैठ चुका है यहाँ पे, ठीक है? फिर हमारा मन किया कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो मेरा मन था चाउमीन खाने का, तो मैं और मेरी सिस्टर्स सभी हम गए चाउमीन खाने के लिए। रश बहुत था, हम सोच रहे थे कि जाएं या ना जाएं इतने ज़्यादा रश में, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि चलो ट्राई करते हैं। फिर जैसे तैसे करके हम चाउमीन के स्टॉल तक पहुँची मैं, लेकिन पहुँचने के बावजूद भी ना मैं चाउमीन नहीं ले पाई। वो इसलिए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और टर्न नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला मैं चली जाती हूँ वापस। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला तू ले गया, तो मेरी सिस्टर ने फिर मुझे भी टेस्ट करवाया चाउमीन थोड़े से, कि मैंने ज़्यादा मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि स्टमक डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि हम सुबह से भूखे भी थे। हम खाने पीने के मज़े ले ही रहे थे कि अचानक से पापा जी भी आ गए, और फिर मैं पापा जी से भी मिली, उनके साथ भी मिली। फिर मैंने पापा जी को बोला कि आप भी खा लो कुछ, तो पापा जी ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा ये सब कुछ। तो मैंने पूछा क्यों, तो पापा जी ने मना कर दिया। फिर मैंने बोला ठीक है भाई आपकी मर्जी। फिर सडनली मैंने देखा कि अमन जी ने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि वो काफ़ी देर से चेयर पे बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए फ्रेंच फ्राइज लेके आऊँ, लेकिन उसमें से मैंने भी टेस्ट कर लिया। फिर मैंने इनको जाके दे दी, मैंने बोला चलो आप भी खा लो। फिर मैंने इनको दिए जाके फ्रेंच फ्राइज। मुझे पूछते बस यही थे, मैंने बोला हाँ बस यही थे।
तो फ्रेंड्स हम बाद में मिलने गए दुल्हन से, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी और काफ़ी सुंदर मेकअप हुआ था। तो कंग्रेचुलेशन, दुल्हन का नाम है नैन्सी। तो फ्रेंड्स फिर हम सभी ने किया डिनर और साथ साथ में यहाँ पे जयमाला भी चली हुई थी। अब हम जा रहे हैं घर वापस, रेस्ट करनी है, सोना है जाके। जैसे कि आपको पता था कि पूरा दिन करवा चौथ का व्रत रखा था, अब रेस्ट करनी है घर जाके। फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है करवा चौथ के अगले दिन, तो अब मैं जी सुहागी हूँ और ये जो प्रसाद हूँ ना अपनी बुआ जी को देने जा रही हूँ। वैसे मेरे बुआ जी भी लगते हैं, बुआ सास भी हैं और मायके वाले की तरफ से वो मेरी चाची भी लगते हैं। तो मैं बोलती हूँ उनको वैसे चाची हूँ कि मैक्सिमम शुरू से मैंने उनको चाची बोला, तो अचानक से मेरे को बुआ जी बोलने की ना आदत नहीं पड़ी, तो मुझे चाची बोलने से ना ज़्यादा अपनापन फील होता है बोलने से। और ये मेरा देवर है, चला हुआ मेरे साथ, तो मैं दे आती हूँ सुहागी।